इंदौर में अचानक मंडियों में सब्जियों की तेजी के बाद भाव आसमान छू गए थे। सब्जियों के नए उत्पादन, किसान अपनी सब्जियों को लेकर के अपनी अब मंडियों की तरफ रुक कर चुके हैं, जिसके कारण शहर में मौजूद चोइतराम मंडी में सब्जियों के दाम अब काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन ठेला और रेडी लगाने वाले लोग इन्हें 2 से 3 गुना भाव में बेच रहे हैं, जहां सब्जियों के भाव 40 से 50 रुपए किलो के करीब पहुंच गए थे। वहीं अब मंडियों में 10 से 15 रुपए के बीच जहां मेथी, भिंडी, गोभी और नए बटले की आवक के बाद मंडी में काफ़ी सब्जियों में गिरावट देखी गई है। टमाटर की फसल खराब होने के बाद महाराष्ट्र और आसपास राज्यों से टमाटर का उत्पादन हो रहा है, जो शहरवासियों के लिए काफ़ी महंगा है। सब्जियां सस्ती होने के बाद अब आम जनता तक भी सस्ती सब्जियां पहुंच जाएगी। उसके बाद घरों में एक बार फिर सस्ती सब्जी आम आदमी खरीद सकेगा। थोड़ा मौसम गर्म होता है, उसके बाद सब्जियों की आवक बढ़ जाती है, सभी सब्जियां बेअभाव बिक रही हैं। कल तक जो मेथी 50-60 बिक रही थी, आज 10 रुपये किलो है। मिर्ची 10 रुपये किलो बिक रही है। बैंगन 50 रुपये पन्नी है। नए बटले की आवक चालू हो गई है। बटला जब आता है तो सारी सब्जियां उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में टमाटर की फसलें मध्य प्रदेश में ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से जो टमाटर आ रहा है, वही टमाटर 1100-1200-1300 रुपये बिक रहा है। सारी सब्जियों की आवक वो पालक 10 रुपये किलो है, मेथी 5 रुपये किलो है, और अन्य सब्जियाँ भी जो बालोर है, बालोर भी 10-15 रुपये किलो बिक रही है। भिंडी 10-15 रुपये किलो बिक रही है। सभी सब्जियों के बेभाव हैं, सभी सब्जियों के भाव गिर गए हैं। जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और ठेलों पे ऊंचे दामों पे बेची जा रही सब्जी, मंडी से सस्ती सब्जी खरीद करके ठेलों पर ऊंची दामों पे बेची जा रही है। सलीम चौधरी, व्यापारी।